अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट, एहसास आर्टिस्ट, ऐसा अदाकार जिन्होंने उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्मों की रिकॉर्ड तादाद में काम किया, उनकी कब्र पर मौजूद हैं। आप 26 नवंबर 1929 को रियासत पटियाला के शहर बस्ती पठाना में पैदा हुए। आपके आबाओ अजदाद 1947 में हिजरत करके गुजरांवाला आ गए और गुजरांवाला में आकर जो है वो हबीब साहब ने अपनी तालीम मुकम्मल की। इनके दो भाई फौज में थे, हबीब साहब भी फौज में जाना चाहते थे लेकिन नींद नौक की वजह से वो फौज में नहीं जा सके और वो छोटी छोटी मुलाजमतें लाहौर करते रहे। और एक दिन इत्तेफाक से अदाकार हदायतकार लुकमान ने उनको एक सेट पे देखा, उन्हें फिर फिल्म की ऑफर की और वो फिल्म थी लखते जिगर। लखते जिगर में आप मैडम नूर जहाँ के मद्द मुकाबल थे और वो 1956 में बनी। और उसके बाद जो है वो हबीब साहब का 2 साल का मुआहदा हुआ और 2 साल के बाद जो है वो फिर मुख्तलिफ फिल्मों में उन्होंने काम किया। जल्द ही उन्हें शोहरत मिली उनकी आदमी ज़ैर इश्क, औलाद बड़ी ज़बरदस्त कामयाब हुई। और उसके बाद जो है वो 1963 में उनकी पंजाबी फिल्म मौज मेला ने एक रिकॉर्ड बिजनेस किया। और इसके साथ साथ फिर मौज मेला के बाद जो है वो उर्दू फिल्मों के साथ साथ आप पंजाबी फिल्मों में भी काम करना शुरू हो गए। 1967 में जब अदाकार अकमल की डेथ होती है तो फिर पंजाबी फिल्मों का सारा बोझ जो है वो हबीब साहब पर आ गया। हबीब साहब ने फिर बहुत सी पंजाबी फिल्मों में काम किया, उनकी जोड़ी नगमा के साथ बहुत मशहूर हुई। अत खुदा दा ज़हर एक फिल्म थी, उसका गाना आज भी बोला जाता है, जो तो होली जे लहना मेरा ना मैं था मर जानी है। और मैं समझता हूँ कि वो एक सिलसिला था पंजाबी फिल्मों का जो 2 दहाइयों तक जारी रहा। हबीब साहब जो है वो उर्दू फिल्मों में भी काम करते रहे लेकिन पंजाबी उनकी जो है वो फिल्में ज़्यादा थी उस दौर में। और उन फिल्मों में जो है वो जिस तरह मैंने कहा मौज मेला है, लाडो, और इसके अलावा जो है वो इनकी मुखड़ा चानवर का, चांद तारा, 2 पत्थर नारा दे, बेशुमार फिल्में हैं जिनमें इन्होंने काम किया। और हबीब साहब जो है वो अदबी ज़ौक भी रखते थे। हबीब साहब जो है वो शायरी बड़ी पसंद किया करते थे। हबीब साहब ने मशहूर शायर कमर अजनालवी की एक किताब की तकरीब अपने घर रखी थी। हबीब साहब को सियासत में बड़ा शौक़ था। हबीब साहब जो है वो जो मुआशरे के जो पिछड़े हुए अफराद हैं उनके बारे में बहुत सोचते थे। और जो मुख्तलिफ रस्में हैं जिस तरह वटा सट्टा की शादी, कारोकारी और इस तरह की रसूम, जो कुरान के साथ शादी, ये ऐसी रस्में थीं जिनको हबीब साहब जो हैं वो क्या है वो बड़े दिल गिरफ्तार होते थे कि ये औरत के साथ जुल्म है। इसीलिए इन्होंने फिर एक फिल्म जो है वो बागी बनाई। वो बागी जो है वो यही कारोकारी और वटा सट्टा की शादी के ख़िलाफ़ थी। और इसके अलावा आपने सियासत भी की, आपका शुमार जो है वो आज़म खां होती, शहबाज शरीफ, इनके करीबी साथियों में होता था। और मैं समझता हूँ कि मलिक मेराज खालिद जो पाकिस्तान के स्पीकर भी रहे और पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, वो हबीब साहब के करीबी दोस्तों में थे। और जब पाकिस्तान के पहले इंतखाबात हुए 1970 में तो बाकायदा मेराज खालिद की जो कंपेन थी वो हबीब साहब ने जो है वो की। तो हबीब साहब जो है वो मरते दम तक अदाकारी के मैदान में काम करते रहे। आपने 624 फिल्मों में काम किया और उसमें जो है वो इनकी कम से कम 250 फिल्में जो हैं वो हीरो की हैसियत से हैं। और हबीब साहब ने ज़्यादातर जो है वो मकसदी फिल्मों में काम किया। आप गाजी रमदीन शहीद देख लें, रेशमी रुमाल देख लें, और टीपू सुल्तान है इनकी फिल्म, और हैदर अली है, तो इनमें इन्होंने जो है वो मकसदी किरदार अदा किए। तो हबीब साहब जो हैं वो इस अहद का एक बड़ा नाम है। आप 25 फरवरी 2016 को लाहौर में इंतकाल कर गए।
ये एयरलाइन सोसाइटी का कब्रिस्तान है जो शौकत खानम और हॉस्पिटल के करीब जो है वो ये सोसाइटी मौजूद है और यहाँ पर ये आसुदा खाक हुए। तो मेरी गुजारिश होगी आप सबके लिए कि आप इनकी रूह को सवाब पहुँचाने के लिए एक दफ़ा अलहम शरीफ और तीन दफ़ा कुल शरीफ ज़रूर पढ़ दीजिएगा। और आखिर में मैं जनाब मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो एक मकसदी जो वीडियोस हैं उसका एक सिलसिला बना रखा है जिसमें हमारा सिर्फ मकसद जो है वो ये है कि इन अजीम बस्तियों को जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फन को दी, सारी ज़िंदगी अपने काम को दी। हबीब साहब का कैरियर 60 साल का है, तो 60 साल मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी का कैरियर हो। और 60 साल में इन्होंने जो है वो ड्रामे भी किए, राहें इनका ड्रामा जो है वो शोरा आफाक हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा ड्रामा राहें, फिर उसके बाद परांदा में इनका नेगेटिव करेक्टर था बिल्कुल हटकर। तो मैं ये समझता हूँ कि हबीब साहब हीरो भी थे, करेक्टर एक्टर भी थे। जब हीरोशिप इनकी ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद जो है वो ये करेक्टर एक्टर में आते हैं और करेक्टर एक्टर में भी इन्होंने बड़े शानदार किरदार निभाए और मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो हमारे सामने आते रहे। तो आज हम इस चैनल के ज़रिए इस अजीम शख्स को सलाम पेश करते हैं, इनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जावेद रिज़वी, सीनियर टीवी आर्टिस्ट। 8 साल गुजर गए हबीब साहब को गए, क्या वो इंसान थे, कितना बड़ा एक्टर थे। और मेरा तो खैर उनसे अदब का ही रिश्ता रहा, हम बचपन से देखा करते थे। उनके जो टेलर थे वो हमारे मोहल्ले में थे, एम गुलाम नबी टेलर्स, तो वहाँ आया करते थे। हम छोटे छोटे थे, जाके उनसे हाथ मिलाना, मिलना हबीब साहब से, और बड़ा फख्र महसूस करना। हसीन आदमी, पढ़े लिखे आदमी, खानदानी आदमी, और कितना कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में उनका, एक इतना बड़ा उन्होंने मकाम हासिल किया। तो बड़े इंसान, बड़े फनकार, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी रूह को सुकून अता फरमाए, और परवरदिगार उनकी अगली मंजिलें भी आसान करे।